आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस लॉ में क्या कहा था, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हमारे मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर हम इसी को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। जैसे मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन हम यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लेंगे, चेंज। जरूरी नहीं है कि जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट होगी, एक ही स्पीड से मूव कर रही होगी, इसीलिए m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, पी की जगह m इंटू वेलोसिटी डाल दिया। तो देखिए, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये देखो, तो लास्ट रिजल्ट आता है हमारे पास f इज इक्वल टू के एम ए, जो a होता है वो होता है एसिलरेशन।